देहरादून से अब खबर। देहरादून में माल देवता रायपुर के सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला पुल टूट चुका है, जिस वजह से इस मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। मौके का जायजा हमारे संवाददाता पंकज राणा ने लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। कल रात से लगातार हो रही बारिश ने देहरादून के मालदेवता में भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां जो रायपुर और डोईवाला को जोड़ने वाला पुल है सोंग नदी पर, वो टूट गया है और यहां आप देखेंगे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। यहां पूरी तरह से जो आवाजाही है वो बंद कर दी है और इससे एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को हुआ है। जो लोग रायपुर से डोईवाला जाते थे या एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता था, वो ये मुख्य मार्ग था, क्योंकि जो शहर का जो रास्ता है, अगर हम देहरादून से डोईवाला होते हुए एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ काफ़ी जाम की स्थिति रहती है, लेकिन क्योंकि ये जो रास्ता था ये मोती चलता था, यहाँ जाम की स्थिति नहीं रहती थी। लेकिन सामने जो पुल है, जो सोंग नदी का पुल है, उसमें तेज भाव की वजह से वो पुल टूट गया है। इसके वजह से जो यहाँ के लोग हैं, खासकर अगर हम डोईवाला के क्षेत्र की बात करें, जो इधर का एरिया है, वहाँ पर कई सौ गाँव हैं और वहाँ के जो लोग हैं जो देहरादून आते थे, वो इसी मार्ग से उनकी आवाजाही होती थी। अब पूरी तरह से ये जो आवाजाही है ये बंद हो गई है, तब तक जब तक इस पुल का दोबारा से निर्माण नहीं हो जाता है। स्थानीय लोग यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करते हैं, किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर अब रहेंगी भैया, क्या समस्याएँ होंगी, क्योंकि आपकी रोज़ आवाजाही होती होगी यहाँ। भाई साहब, यहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है और ये सोडा सरोली हो गया, भोपाल पानी हो गया, धनियाड़ी हो गया, इधर बहुत बड़ा गांव है और इधर बस बिल्कुल आने जाने का बिल्कुल ही रास्ता बंद हो चुका है। अब हम लोग सोचते हैं, हमारे उधर मेरी एक कार वर्कशॉप है, लेकिन वहाँ गाड़ी मुझे देनी है, मैं कैसे दूँ? गाड़ी वाले का फ़ोन आ रहा है कि हम अब आपको कहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, अगर आप इस साइड जाएंगे तो कहाँ से जाना पड़ेगा, कितना लंबा रास्ता? अभी हमको तो यहाँ से सीधे वहाँ डोई वाला जो हरिद्वार रोड है वहाँ से जो वहाँ से टोल टॉक्स लगता है, फिर वहाँ से जोलीग्रांट होते हुए, फिर थानों होते हुए, फिर वहाँ से आना पड़ेगा। ना कितना एक्स्ट्रा पड़ जाएगा? 400 रुपये फ्री वंड का पड़ गया है। हमें अभी यहाँ से नदी पार करके जाना है, हमारा घर वहाँ है, लेकिन हमें 400 रुपये देना पड़ रहा है अब, क्योंकि टोल टैक्स वो तो रोकेंगे नहीं। 195 रुपये एक साइड का है, अब दोनों साइड का लेते हैं वो, अब लगा लीजिए भाई साहब। हाँ, तो देखिए जो लोग हैं वो भी वापस लगातार हो रहे हैं, एक बाइक सवार आए हैं इस साइड आप देखेंगे तो, क्योंकि पुल टूटा हुआ है तो ये बाइक सवार अब वापस जाएंगे, इन्हें कहीं जाना होगा। इस तरह की दिक्कतें इन लोगों को अमूमन यहाँ हो रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, बड़ी आवाजाही इस पुल पर होती है। इनसे हम बात करते हैं, भैया कहाँ जा रहे थे आप? हम तो भाई जी देखने आए थे बस। अच्छा, तो आप ये मार्ग है आपका आने जाने का? ये आते जाते हमारे साडू भाई का मकान भी है आपके थानों में। इस तरह की दिक्कतें अब होंगी, क्योंकि कितनी? अब तो सर इनको तो बहुत लंबा रूट घुमाना है, डोईवाला से घूम के आना पड़ेगा। अच्छा। तो ये रूट काफ़ी लंबा हो जाएगा, 20-25 किलोमीटर का काफ़ी लंबा रन पड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह की समस्याएं हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिनको आगे जाना है, वो पुल टूटने की वजह से वापस जा रहे हैं। तो अमूमन ये कह सकते हैं कि जो लोग अब यहाँ से तमाम जो भोपाल पानी और तमाम जो इधर गाँव हैं, उन गाँव के लिए जाते थे, देहरादून में सामान खरीदने आते थे या स्कूलिंग के लिए आते थे या नौकरी करने आते थे, उनके लिए पूरी तरह से पुल टूट जाने से रास्ता बंद हो गया है। अब उन्हें डोईवाला घूमते हुए देहरादून शहर को पूरा पार करते हुए तब आना होगा और उनको वहाँ एक्स्ट्रा टोल टैक्स भी देना होगा, ये लोगों का कहना है। तो कई तरह की दिक्कतें यहाँ हो गई हैं। फिलहाल अब इंतजार करना होगा कि कब तक इस पुल को टेम्प्रेरी तौर पर या इसका निर्माण किया जाता है ताकि लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और वहीं यमकेश्वर तहसील में नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास बादल फटा है, इस बात की जानकारी है। रात करीब 2 बजे के करीब ये घटना बताई जा रही है, बादल फटने की। बताया ये भी जा रहा है कि लोगों ने अचानक तेज आवाज सुनी और कुछ ही देर के बाद पता चला कि हेवल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कि नदी के किनारे पर बने कई रिसोर्ट बह चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ पर कहीं बादल फटने की जानकारी और उसके बाद किस तरीके से नदी नालों का जलस्तर एकदम से बढ़ा। कई रिसोर्ट जो कि बह चुके हैं नदी के किनारे, जो रिसोर्ट बने हुए थे उनके बहने तक की खबर है। देर रात बादल फटा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलबे में कई वाहन फंस गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम रास्तों पर जलभराव हो चुका है और इसी दौरान एयरपोर्ट परिसर में भी मलबा आने की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। कई रास्तों पर तेज बहाव की वजह से फ्लाइट में सफर करने वाले यात्री फंसे हुए दिखाई दिए। और देखिए देहरादून में बारिश से क्या हाल है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट के अंदर परिसर की तस्वीरें ये बताई जा रही हैं। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए काफी दिक्कत इस वक्त समझ आती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।